थ्रिलर नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हैं? इफ यस देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ फेवरेट थ्रिलर्स के बारे में बताना चाहती हूँ एंड दे आर रियली द बेस्ट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन थ्रिलर्स को जरूर जरूर पिक कीजिए, ओके। बट बिफोर वी बिगिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये है कि क्या आपको फॉरेन थ्रिलर्स नॉवेल्स अच्छे लगते हैं या फिर इंडियन थ्रिलर नॉवेल्स अच्छे लगते हैं? अगर आपको चॉइस दी जाए इन दोनों के बीच में तो आप क्या पिक करेंगे? कॉमेंट कर मुझे जरूर बताएं, ओके। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड ध्यान में रखें ये तीसरा पार्ट है मेरी फेवरेट थ्रिलर वीडियोज का। पहले दो पार्ट बन चुके हैं जिसके अंदर मैंने 11 बुक्स रेकमेंड करी है, तो उसको भी जरूर चेक कर लीजिए, ओके। और जो पहला थ्रिलर नॉवल इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूं वो है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू बाय स्टीव लार्सन। ये मिलेनियम ट्रिलॉजी की बुक वन है। इसमें क्या होता है, एक लड़की है हैरियट बैंगर और वो काफी साल पहले डिसअपीयर हो गई, उसकी बॉडी नहीं मिली, पर उसके अंकल को लगता है कि इसका मर्डर हो गया और उसके अंकल को लगता है कि मेरी ही फैमिली के किसी पर्सन ने मेरी इस नीस को मारा है। अब उस अंकल ने क्या करा है, उसने माइकल को हायर करा है जो कि एक डिस्ग्रेस जर्नलिस्ट है। अंकल ने बोला है कि अब तू इसको इन्वेस्टिगेट कर कि मेरी नीस को हुआ क्या था इतने साल पहले। माइकल आगे हायर लिजबेथ सैलेंडर। बहुत ही इलैबोरेट प्लॉट है, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस नॉवल में, बहुत ही अच्छी किताब है, क्यों पढ़नी चाहिए? ट्विस्ट एंड टर्न्स, इलैबोरेट प्लॉट तो है, पर साथ ही में एक कैरेक्टर है लिजबेथ सैलेंडर जिसकी मैंने बात करी अभी अभी। ओ माई गॉड, वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स इन एनी थ्रिलर नॉवल। मतलब अगर मुझे बेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स की लिस्ट बनानी हो ना फ्रॉम द 360 प्लस बुक्स जो मैंने पढ़ रखी हैं, लिजबेथ सैलेंडर टॉप पे होगी। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, अमेजिंग कैरेक्टर, तो इस वजह से भी आपको बुक पढ़नी चाहिए। एट द सेम टाइम ये ना स्कैंडिनेवियन नॉवल है, तो स्कैंडिनेवियन नॉवल ना जो स्वीडन वाली साइड पर जो नॉवल्स लिखे होते हैं ना वो अपनी एक चिल्ली ईरी सी वाइब के लिए ना काफ़ी मशहूर है, तो इसमें वो वाइब भी आती है और इतना थ्रिलिंग प्लॉट है, तो इसलिए आपको ये जरूर चेक करना चाहिए। द ओनली आई वुड से नेगेटिव पॉइंट अबाउट दिस होल बुक इज लाइक कि बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो प्लीज इसको पिक नहीं करिए, बिकॉज प्लॉट थोड़ा इलैबोरेट है, राइटिंग भी ऐसी है, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए रीडिंग में फिर इसको पिक कीजिए, बट इसको पिक जरूर कीजिए। इसके बाद भी दो बुक्स हैं, मैंने सेकंड पढ़ी है, अभी थर्ड नहीं पढ़ी है, ये बहुत बहुत लंबी और चंकी बुक्स हैं, पर मजा आ जाता है इसको पढ़ने में, सो डू ट्राई इट आउट। दूसरी किताब जो है दैट इज द शाइनिंग बाय स्टीवन किंग। इसे ना मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर का क्लासिक माना जाता है। ये स्टोरी है डैन की जो कि 5 साल का एक लड़का है एंड ही हैज दिस शाइन, ठीक है, तो उसके अंदर एक साइकिक पावर्स हैं। और इस बुक का बहुत बड़ा कैरेक्टर है द ओवरलुक होटल। ये एक ऐसा होटल है जो बहुत ही अलग से एरिया में है और सर्दियों में ना ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है बाकी सारी लाइफ में। और डैन के जो पापा हैं उन्होंने जॉब ली है टू बी द केयर टेकर ऑफ दिस ओवरलुक होटल। अब ओवरलुक होटल में ना बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, हेड शेप एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही रियल से लगते हैं, और देयर इज अ लेडी इन रूम 217 और बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं। काफ़ी हॉरर थ्रिलर है और बहुत ही अच्छी किताब है। अब स्टीवन किंग एक ऐसे ऑथर हैं जो फिर से बहुत चंकी बुक्स लिखते हैं और सस्पेंस और थ्रिल पार्ट भी बिल्डअप होने में थोड़ा समय लगता है, बट एज अ बिगिनर आपको ये बुक थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, पर पढ़नी आपको जिंदगी में एक बार जरूर चाहिए। ये बहुत ही अच्छी किताब है, एक क्लासिक है जो कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड अ बोनस रिकमेंडेशन वुड बी डॉक्टर स्लीप बाय स्टीवन किंग। अब द शाइनिंग के जो भी सारे इवेंट्स होते हैं उसके काफी साल बाद जब डैन की शाइन थोड़ी कम हो जाती है, एक और लड़की है उसके अंदर डैन से भी ज्यादा शाइनिंग है और उसकी स्टोरी आगे बताई गई है, एंड दैट इज इवन मोर एक्साइटिंग। उसका मैंने एक रीडिंग ब्लॉग भी कर रखा है जिसे आप चेक कर सकते हो, ओके। तीसरी किताब जो है वो है कैरी बाय स्टीवन किंग। ये स्टीवन किंग का सॉर्ट ऑफ डेब्यू नॉवल था, ठीक है, तो उनके बाकी सारे नॉवेल्स के कंपैरेटिवली काफी छोटा है, एंड दिस इज व्हाई आई वुड रिकमेंड इट टू यू, क्योंकि स्टीवन किंग की अगर आपको बुक स्टार्ट करनी है तो कैरी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टार्ट स्टीवन किंग नॉवेल्स, ठीक है। अब कैरी जो है कहानी है एक लड़की की हु इज अ टीनेजर एंड शी सॉर्ट ऑफ लाइक एन आउटकास्ट, और उसके अंदर टेलीकाइनेसिस पावर्स है, दैट इज वो अपने दिमाग से चीजों को हिला सकती है। और मेनली ये बुक एक रात के इवेंट्स के बारे में जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी लाइक हॉरिफिक एलिमेंट्स होते हैं, तो अगेन एक लाइक थ्रिलर है,
हॉरर थ्रिलर काइंड ऑफ है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी किताब है. मैंने इसका फुल रिव्यू इस चैनल पर कर रखा है, सो यू कैन चेक इट आउट. एंड आई मीन लाइक ये किताब एक ऐसी है जिसको मैंने पढ़ रखा है काफ़ी टाइम से, और जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना उतनी ये मुझे अच्छी लगने लग जाती है. तो ये इस तरीके की किताब है जो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए. चौथी थ्रिलर नॉवल जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है वो है गोल्डन प्रे बाय जॉन सैनफोर्ड. ये प्रे सीरीज की किताब है. इस सीरीज में 32 बुक्स हैं, ओके एंड काउंटिंग, ठीक है. और ये जो किताब है ये 17th बुक थी जो मैंने पढ़ी, ठीक है. तो ये फॉलो करती है दिस गाय लूकस डेवनपोर्ट जो कि अब एक स्पेशल लाइक ही कैन टेक स्पेशल केसेस टू इन्वेस्टिगेट. तो उसको जो मन करता है वो केस वो अब ले सकता है. उसके करियर में वो इस जगह पे पहुंच चुका है. तो जब से शुरू हुई है ना प्रे सीरीज तो उसका जो रैंक है और उसकी जो रेपुटेशन है वो ग्रो होती आ रही है. तो काफी स्टार्टिंग से ही लूकस डेवनपोर्ट को आप फॉलो कर रहे हो. अब इस बुक का प्लॉट क्या है, उसके सामने ये रॉबरीज आई हैं विच ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ मर्डर्स, ठीक है. तो अब वो उसको इन्वेस्टिगेट करने वाला है और उसको शक है कि ये जो रॉबरीज है और ये जो क्रू है जो ये रॉबरीज कर रहा है दैट इज समबडी ही हैज ऑलरेडी सीन और जो पहले उसके हाथ से निकल गए थे, ऐसा कुछ है, ठीक है. तो ये उस बारे में है सीरीज. व्हाई आई वुड रिकमेंड इट टू यू एज वेल, एक तो इसका बहुत ही फास्ट पेस्ड प्लॉट है, अच्छी थ्रिलर है. अगर आपको डिटेक्टिव थ्रिलर्स या जिसमें ऐसे किसी खूनी को या किसी कल्प्रिट को ढूंढ रहे हो वैसे वाले थ्रिलर्स अच्छे लगते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी. देन अगेन इट्स ऑल्सो बिगिनर फ्रेंडली, तो अगर आप एज अ बिगिनर भी पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, प्लॉट समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. एट द सेम टाइम ये पिछली वाली बुक से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है. ऑफकोर्स लूकस डेवनपोर्ट एज अ कैरेक्टर उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है. क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ रखी है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट 2 बुक्स पढ़ रखी हैं एंड फ्रॉम दैट आई नो कि स्टार्टिंग से ना लूकस डेवनपोर्ट का कैरेक्टर ग्रो होता आ रहा है. तो उसमें आप थोड़ा मिस आउट करेंगे बट जो प्लॉट है वो पूरा रिफ्रेशिंग है, पूरा अलग है. तो पिछली बुक से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए आप एज अ स्टैंड अलोन भी इसको पिक कर सकते हो. तो दिस इज व्हाई आई लाइक दिस बुक अ लॉट एंड आई वुड रिकमेंड इट टू यू. पर हाँ ये बात तो है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में आप थोड़ा सा इसे मिस कर जाएंगे अनलेस यू डिसाइड कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ, ओके. एनीवे फिफ्थ फेवरेट थ्रिलर इन दिस वीडियो इज क्लॉ अ कैनेडियन थ्रिलर बाय केटी बेरी. अब इस बुक में क्या है, एक बहुत ही जायंट मॉन्स्टर बहुत ही सालों पहले का अब उठ गया है एंड ही इज वेरी हंग्री. तो उसके अटैक्स हैं, एक छोटी सी सिटी है डॉलर्स ब्रिटिश कोलंबिया वहाँ पे ये सब सेट है और साथ ही में इस सिटी में बहुत ज़्यादा करप्शन है. तो उस करप्शन की वजह से भी काफ़ी मर्डर्स एंड काफ़ी कुछ हो रहा है एंड वो सारा कुछ मिलकर एक प्लॉट बनता है इसका, क्लॉ अ कैनेडियन थ्रिलर का. बहुत ही एक्साइटिंग बुक है, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी. मैंने स्टोरी टेल पर इसको सुना था एंड वन मोर गुड पार्ट अबाउट दिस बुक इज दिस इज फ्री ऑन किंडल अनलिमिटेड. तो अगर आपके पास किंडल अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन है तो आप इस बुक को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. अब इसके बाद इसका सीक्वल भी आया है क्लॉ रिसर्जेंस जो मैंने पढ़ लिया है. मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि क्लॉ कैनेडियन थ्रिलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है ना. तो बट आप उसका वो सीक्वल भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद 2 नोवेलाज भी आए हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं. बट यस, इसको ज़रूर ट्राई आउट कीजिए अगर आपको ऐसे थ्रिलर्स अच्छे लगते हैं जिसमें कोई मॉन्स्टर्स हो एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. एंड लास्टली आई हैव एन ऑनररी मेंशन, क्रॉस हर हार्ट बाय सारा पिनबोरो भी एक अच्छी थ्रिलर किताब है. नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स बट ऐसा भी नहीं है इसमें कोई खराबी है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है. अब ये जो ऑथर है शी इज़ वेरी पॉपुलर क्योंकि इन्होंने लिखी थी बिहाइंड हर आईज जो कि नेटफ्लिक्स के एक शो में अडाप्ट भी हो चुकी है. सो दिस इज ऑल्सो लाइक समथिंग यू कैन चेक आउट. स्टोरी क्या है क्रॉस हर हार्ट की, कुछ वुमेन को फॉलो करती है, उनके सीक्रेट्स हैं और अब उनके सीक्रेट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और अलग सी इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है. दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो ऑब्वियसली मैं आपको ज्यादा प्लॉट के बारे में बताना भी नहीं चाहती और प्लॉट में होता क्या क्या है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो मजा आ जाता है एंड उनको बताना हमेशा मुश्किल हो ही जाता है. बट येस, दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन चेक आउट अगर आपके सामने ये बुक आ जाती है ना, सोच रहे हो कि मैं इसको पढ़ूँ या ना पढ़ूँ. हाँ, आप इसको पिक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है ये. एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है विच वॉज ऑल अबाउट माई फेवरेट थ्रिलर नॉवल्स. अगर आपके कुछ फेवरेट थ्रिलर नॉवल्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं ट्राई आउट करूँ तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं. एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर दैट क्वेश्चन कि आपको इंडियन थ्रिलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं या फॉरेन थ्रिलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं. मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी. एंड यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. दिस इज मैं बी साइनिंग ऑफ. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो
वेरी सून।